हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, तो टेक्निकल टीम थोड़ा सा मुझे पीपीटी पे ही डायरेक्ट लेके आइए, ठीक है? ओके हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, मैं शांतनु शुक्ला आप सभी दोस्तों का Adda247 यानी कि bankersadda.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सबको बता दें कि SBI क्लर्क यानी कि एक ऐसा एग्जाम जो कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सारे लोग जानते हो भाई, एक ऐसा एग्जाम जिसमें ज्यादातर बैंकिंग एस्पिरेंट्स घुसने का सपना देखते रहते हैं, आप सारे लोग जानते हो, ठीक है ना इस बात का। अब सिंपल सी बात है, किसी भी बैंकिंग एग्जाम के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए सिंपल सी बात है, प्रीलिम्स अगर आपके जहन में आता है तो क्या आता है भाई, स्पीड 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 और क्या। सिंपल सी बात है, जब आपके सामने 20 मिनट की पाबंदी लगा दी जाती है, बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीजों को कि भाई अगर आपके सामने 20 मिनट की पाबंदी लगा दी गई और उस 20 मिनट में आपके सामने 35 सवाल रख दिए गए, उन 35 सवालों को आपको सॉल्व करना है। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे आप देखते हो 35 में से 30 नंबर 32 नंबर स्कोर कर जाते हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 35 सवालों तक पहुंच भी नहीं पाते। अंतर कहां से आता है, डिफरेंस कहां से आता है, उस चीजों का हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में, और आपको बताएंगे कि वो डिफरेंस कैसे फुलफिल कर सकते हैं, आप भी ऐसे 30-32 नंबर स्कोर कर सकते हैं। बड़ा साधारण सा सवाल है, किसी नंबर किसी सपोज किसी बच्चे को हमने कहा मल्टीप्लाई करो भाई, हमने कह दिया चलो मल्टीप्लाई कर दो बेटा, हमने कहा 3.72 मल्टीप्लाइड बाय 3.75, मल्टीप्लाई करने के लिए नॉर्मली कह दिया गया भाई चलो मल्टीप्लाई करो। आप में से बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट टूट पड़े मल्टीप्लाई करने के लिए, या फिर उनके दिमाग में नहीं आ रहा कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, और जिस बच्चे को तरीका पता है भाई सिंपल सी बात है 3.75 लिखा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, भाई एक तरीका उसको पता है कि हम जानते हैं 0.75 4 से मल्टीप्लाई होके कितना देता है, 0.75 4 से मल्टीप्लाई होके 3 देता है, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 और 3 को ऐड कर दिया, ऊपर वैल्यू मेरे पास हो गई 15 के बराबर, बाकी इस 4 को टर्मिनेट करना था। आप सिंपल सा देख रहे हो 4 गुणे 9 हो गया दोस्तों 36 के बराबर, 12 बचा 4 गुणे 3 हो गया मेरा 12 के बराबर, 2 डिजिट के बाद डेसिमल चिपकाना है, यहां पे 2 डिजिट के बाद मैंने डेसिमल चिपका दिया। अब 15 को 93 से मल्टीप्लाई करना था, ये आसान था उसके लिए, उसने तुरंत के तुरंत मल्टीप्लाई कर दिया, 5 15 गुणे 9 कितना होता है 105, 15 गुणे 9 135 और 4 जोड़ के कर दिया कितना 139, 2 डिजिट के बाद डेसिमल 13.95 उसने निकाल के रख दिया। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट इसको टूट के मल्टीप्लाई करना शुरू किए और पहुंच नहीं पाए वहां तक। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको एक चीज छोटी सी समझाई कि भाई अगर आपके सामने 0.75 दिया गया, 0.75 मेरे दोस्तों आपको दिया गया, तो वो 0.75 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 3 बना दिया। सिमिलरली अगर आपके सामने हमने कहा किसी नंबर को चलो मल्टीप्लाई करो, मैंने आपके सामने लिख दिया 187.2, ठीक है ऐसे कर दिया, और मैंने कहा इसको चलो मल्टीप्लाई करो, आप कोई भी नंबर सपोज मैंने आपको दे दिया, सिंपल सा कोई नंबर देते हैं आपको, हमने कहा चलो 1.75 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है 1.75 से मल्टीप्लाई करो, अभी इसको मल्टीप्लाई करना तरह तरह की आपके दिमाग में अप्रोच आएंगे, किस तरीके से मल्टीप्लाई करें, किस तरीके से मल्टीप्लाई करें। जिसको पता है 0.75 दिखा, उसने क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 4 से उसने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि ऊपर जो 1.475 है वो क्या देगा, क्योंकि 0.75 मल्टीप्लाई होकर 4 से मुझे क्या देता है 3 देता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 जुड़ के कितना हो गया मेरा 7। अब जो भी नंबर निकल के आएगी इस साइड हमें उसको क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से सिंप्लीफाई करना शुरू किया 18, सिर्फ डेसिमल भूल जाओ, सिर्फ 187.2 पे फोकस करो, 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4 × 4 16, फिर कितना बच गया 27, बचा 4 × 6 24, 4 × 8 32 हो गया, एक डिजिट के बाद डेसिमल चिपकाना था, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 56 हुआ, 7 × 6 42, 5 मिलके 47 हुआ, 7 × 28 और 5 मिलके 33 हो गया, 337.6 आपके सामने जवाब आ गया। बहुत सरल सा एग्जांपल दे रहे हैं आपके सामने, आप इनको मल्टीप्लाई करने के अप्रोचेस आप सिंपल सा देख सकते हो। अगर 187.2 को 1.75 से मल्टीप्लाई करना था तो आपने क्या किया, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं। ये सारी चीजें होती हैं मेरे दोस्तों डिफरेंस क्रिएट करने वाली, मेरे दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, ये वो सारी चीजें हैं जो डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं। थोड़ी सी मुझे यहाँ पे टेक्निकल इशू आ रही है सर, एक बार इसमें ऑप्शंस क्यों नहीं आ रहे हैं, मुझे बार बार ऐसे मिटाना पड़ रहा है, ठीक है ये ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, चलो कोई नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इतनी कहानी क्लियर है, कहने का मतलब प्रीलिम्स एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कुछ स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, स्पीड का मतलब होता है अप्रोचेस। तो हम चलिए आज के कुछ पहली अप्रोच के, थोड़ा सा मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, कुछ अप्रोचेस के डिस्कशन करेंगे, उसके बाद स्पीड मैथ के जो आपके सेक्शंस होते हैं, आप सब लोग को पता है कि भाई अगर आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं किससे, स्पीड मैथ से, 20 नंबर आपका स्पीड मैथ से मिलने वाला है, कितने मिनट में करेंगे, आप सारे लोग सोचते हो 10 मिनट में कर देंगे, मेरे दोस्त 7 से 8 मिनट में करने वाले लोग भी हैं, तो आप क्यों पीछे रह रहे हो, 7 से 8 मिनट में करने वाले लोग हैं मेरे स्टूडेंट से, पढ़ते हैं मुझसे अल्टीमेट प्लेटफॉर्म पे जो मेरे रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, पढ़ते हैं, उनको मैंने बता दिया कि डेली के डेली आपको 20 सेट बना के सॉल्व करना है। अब आ रहा है 10 मिनट 11 मिनट 9 मिनट यहां तक बच्चे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, वो काम रेगुलर करना है, 20 क्वेश्चन का सेट मिला उन्हें सॉल्व करना है, हमने बोल दिया स्टॉप वॉच लगा के टाइम स्पीड निकालनी है, जैसे आर्मी की रेस होती है तो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, है ना, कि उनको 1600 मीटर की रेस इतने मिनट में निकालनी है, डेली की डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे स्पीड आपकी बनती है।
वही है आपका, समझ लो और कुछ नहीं। 20 सवाल को भाई सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करने कितने अप्रोच सीखोगे, कितनी ट्रिक आपको याद रहती है? ट्रिक नहीं, अप्रोच मैटर करती है मेरे भाई, ट्रिक मैटर नहीं करती, अप्रोच मैटर करती है। कैलकुलेशन को देखने का अंदाज आपका आपका मैटर करता है। आप सारे लोग ये बात समझ पा रहे हो भाई, 34 गुणे 36 किसी को करना है भाई, 34 गुणे 36 करना है, मल्टीप्लाई तो कर ही लेगा वो, कितनी मुश्किल काम है, पांचवी क्लास का बच्चा भी कर देगा। आपकी अप्रोच क्या डिफरेंट है? आपको पता है अगर कि हाँ भाई ये 35 से 1 कम, 35 से 1 ज्यादा है, आप इसको लिख सकते हो भाई कितना, 1225 माइनस 1 आप लिख सकते हैं इसको, 1224। अब जिसको अप्रोच पता है वो एक झटके में लिखेगा, वरना आप मल्टीप्लाई करते रहोगे। फिर से आपको याद दिलाएंगे, अप्रोच मैटर करती है, ट्रिक नहीं मैटर करती, ट्रिक याद थोड़े ना रहती है, मैटर क्या करता है मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ अप्रोच क्या है आपकी कैलकुलेशन की। तो आइए आज के जो आपको हम ट्रिक की बात कर रहे थे, वो ट्रिक की हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, वो ट्रिक क्या है, ट्रिक मतलब अप्रोच क्या है, छोटी सी चर्चा करते हैं आपके सामने। कभी भी अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना और आपको मल्टीप्लीकेशन में 0.25 या फिर 0.5 या फिर आपको 0.75 ये सारे टर्म्स दिए गए हैं, सपोज आपके सामने क्वेश्चन भी इनका हम यूज करके दिखाते हैं। सपोज आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया भाई कितना, 400 या 4.72 मल्टीप्लाइड बाई, मैंने कह दिया चलो 2.75, और प्लस मैंने आपके सामने लिख दिया कुछ भी एक और नंबर हमने लिख दिया, चलो कितना 64 मल्टीप्लाइड बाई, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 3.25, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है दोस्त, इतना मैंने लिख दिया। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया, और यार आपके सामने बहुत ताबड़तोड़ सेशन करने वाले हैं, आप इसको सिंपल सा एक काम करो कि लिंक को शेयर कर दो अगर आपकी दिली इच्छा हो तो, क्योंकि अभी तो हमने आपके सामने शुरुआत की है, अभी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखानी है, पूरा का पूरा क्वेश्चन का कलेक्शन रखा हुआ है, आप देख लो पूरा का पूरा क्वेश्चन का कलेक्शन है मेरे पास, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा इस लिंक को शेयर किया जाए, यही क्वेश्चन है। अब आपका तरीका ये होता है, आपका तरीका ये कहता है मेरे भाई, आपका तरीका ये कहता है सर इसका ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा, कलर चेंज करना हो मिटाना हो तो कैसे करेंगे हम, ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें। खैर आप देखो, अगर 0.25 मिला, 0.5 मिला, 0.75 मिला, और इसको क्या करना है आपको दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अरे नहीं, अगर ये सब मल्टीप्लाई में आ गए, मल्टीप्लाइड बाय कहीं पे लिखा हुआ है 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 0.75, ये सारी चीजें आपके सामने सपोज लिखी हुई है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर आपको 0.525 मिला तो 0.25 को क्या करना है आपको, आप 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है 0.25 से मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे रिजल्ट कितना देगा, ये 1 देगा। कहीं पे भी 0.5 लिखा हुआ है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, आपको पता है मल्टीप्लाई होने के बाद 1 मिलता है। 0.75 लिखा है कुछ मत करना, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, आपको पता है कि 3 मिलता है। ये आपकी छोटी सी एक अप्रोच रही सॉल्व करने की, अब फिर उसके बाद भी आपको इतने पे ही काम नहीं होना है, मल्टीप्लाई भी थोड़ा भर भर के करना सीखो, भर भर के मतलब समझ रहे हो, भर भर के मल्टीप्लाई, अप्रोच अपनी बदलोगे ना, हम इस पे ही काम कर रहे हैं, लगातार इस पे काम कर रहे हैं, किस चीज पे, अप्रोच बदलने की। मल्टीप्लाई भी करना है आपको, कहीं पे मिल गया चलो 197 को मल्टीप्लाई करना है, सपोज आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक एक डिजिट मत मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 49, 7 × 9 63, 4 कैरी, ऐसे नहीं करना, जितना आप कर सकते हो भाई, 7 को हम 97 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया कितना आ रहा है 9, कैरी मेरा कितना चला गया 4। अब 19 को तो 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 133, 19 × 7 133, 4 को जोड़ के लिख दिया 137। कहने का मतलब भर भर के मल्टीप्लाई करना सीखो भाई, भर भर के मल्टीप्लाई, भर भर के डिवाइड, भर भर के ऐड सबट्रैक्ट, कैसे कह रहे हैं वो जरा देखो, 2.75 लिखा हुआ है, 2.75 को हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सर इसका ऑप्शन नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत हो रही कलर चेंज करने मुझे, क्या एनेबल एडिटिंग वगैरह से नहीं होता वो, ठीक है भाई, ओके सर लाया जाए पीपीटी पे, चलो। तो दोस्तों क्वेश्चन भी मेरा गायब हो गया, चलो फिर से क्वेश्चन, आप लोगों ने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया था ना, आप लोगों ने सॉल्व करके आंसर भी निकाल दिया, चलो हम सिंप्लीफाई करते हैं मेरे भाई, ठीक है हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से एक एग्जांपल देके, सिंपल सी बात है, मैंने कुछ तरीके आपको सिखाए, एक और एग्जांपल देके समझते हैं। मैंने चलो आपके सामने लिखा 4.72 मल्टीप्लाइड बाई 2.75, शायद कुछ ऐसे ही लिखा था, और प्लस फिर मैंने आपके सामने लिख दिया कुछ यहाँ पे 64 मल्टीप्लाइड बाई शायद 1.25, ऐसे लिखे थे ना। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आप सिंपल सी बात क्या करने वाले हो, सिंपल सी बात, हमने कहा 0.75 मुझे दिख गया, 0.75 दिखने का मतलब हुआ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब आप सिंपल सा इस नंबर को 4 से
एक बार आपके सामने चलो लिख देते हैं, चार से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब होगा क्या, चार को 0.75 से मल्टीप्लाई मत करो, चार को साली दो से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 8 आएगा। और 0.7 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिलता है 3, यानी कि 8 और 3 मिलके ये कितना हो गया मेरा नंबर 11 हो गया, ये नंबर मेरी 11 हो गई। इसका मतलब 4.72 को 4 से डिवाइड करने पे जो भी आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से मैंने डिवाइड करना शुरू किया, कितनी बार गया, 4 एकम 4 और 18 गुणे 4 72 होता है। कहानी खत्म हुई, 1. कितना आ गया, 1.12 आ गया। 1.12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी आप लोग जानते हो कैसे लिखते हो, 8 लिख दिया, 8 और 1 जोड़ के लिख दिया 9 के बराबर, और 1 और 1 मिलके लिख दिया 2 के बराबर, बचा 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी कि पहला वाला पार्ट कैलकुलेट करने में आपको सेकंड लगे खाली, 12.98 लिख दिया मैंने। इसके आगे जरा देखो 1.25 लिखा हुआ है, मैंने कहा खाली 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और कुछ नहीं करना है। अब आप कहोगे भाई 16 को 4 से डिवाइड करना, कितना ऊपर 16 दिख रहा है भाई, 64 4 कटेगा तो 16 आ जाएगा। अब 1.25 को 4 से मल्टीप्लाई करना, मत परेशान हो ज्यादा, आप बस इतना देखो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 1 आता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 16 5 मल्टीप्लाई होगा तो 80 हो जाएगा, 80 और 12 जुड़ेगा तो 92 हो जाएगा, 92.98 आपके सवाल का जवाब रहा। बस ये अप्रोच जब बदलोगे तब आपकी चीजें दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी। ट्रिक रट रट के मुझे काम नहीं करना, मुझे चीजों को देखने का अप्रोच बदलना है खाली, बार बार इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं आप। मल्टीप्लाई डिवाइड को देखो तो कैसे तोड़ के आपको करना मेरे दोस्तों, इस पे हम फोकस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आप ही की भलाई की बात कर रहे हैं, आप ही के अप्रोच बदलने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं हम आपसे, ठीक है भाई, और कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे हैं, आप ही को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, आज के हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे। हम आपका आज के सेशन में दोस्तों क्या क्या रखे हम आपको बता दें, स्पीड मैथ के जो 4 सेक्शन होते हैं क्या क्या होता है आपका मेरे दोस्तों, आप सारे लोग जानते हो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, जो कि आपको ये मिलता है 10 नंबर का आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में, ठीक है भाई। और इसके बाद आपका मिलता है नंबर सीरीज आपको 5 नंबर की मिलती है, और इसके बाद आपका मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि 5 नंबर का होता है। तो इन 20 सवालों पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो मेरे दोस्तों लिंक को इसीलिए कह रहे हैं कि शेयर किया जाए, 20 नंबर की बात है, 20 नंबर को कितने कम टाइम में कर सकते हो, ठीक है, जहां पे हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं। मैंने फिर से बताया अल्टीमेट प्लेटफॉर्म पे मेरी रेगुलर क्लास चल रही है भाई, उसके लिए थोड़ा सा मतलब हां थोड़ा सा है कुछ कॉस्ट वगैरह, तो उस पर हमारी रेगुलर क्लास चल रही है, वहां पे मैंने बच्चों को इस तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए बताया। तो बीच बीच में हम आपके सामने स्पेशल लेक्चर लेते रहेंगे, मैंने पहले भी वादा किया था यूट्यूब पे, बीच बीच में हम आते रहेंगे स्पेशल क्लासेस के साथ, ठीक है। तो आज के सेशन में कल हमने जो क्लास ली थी उसमें केसलेट डीआई का डिस्कशन किया था, आज की जो सेशन है उसमें हमारे स्पीड मैथ्स पे पार्ट, स्पीड मैथ्स का पार्ट डिस्कस करने वाले। आई होप आप सबको ये बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है भाई, ओके। हाँ बेटे, जितने तुम्हारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है हम वो सब हम खुद करवाएंगे, मत परेशान हो। कल मैंने केसलेट डीआई डिस्कस की थी, आप सबको पता, आप लोगों ने देखा भी था। नंबर सीरीज आपको मिसिंग आसानी से हो जाती है, रॉन्ग नंबर हो जाती है, तो मैंने आपके सामने रॉन्ग नंबर सीरीज लिया है, रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे। आइए आज के सेशन की स्टार्टिंग करते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के साथ। एक बार सारे लोग अगर रेडी हो तो भाई थम्सअप करके बता दो, हाँ सर रेडी, बिल्कुल छा जाने के लिए बेताब आप सारे लोग, ठीक है भाई। चलिए ओके शिव श्रीवास्तव भाई, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट पढ़ा दीजिए बेटे, पढ़ा देंगे, स्पेशल क्लासेस जो लेते रहते पढ़ा देंगे। अगली पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये आ चुका है, पहला सवाल आ चुका है, सारे लोग धुआं धुआं कर देना पहले सवाल को, टाइमर आपका स्टार्ट होता है। चलिए ओके, अब अप्रोच मैटर करेगी, आप कितनी तेज आंसर निकाल रहे, खुद आप अपने आप को पहचानना मेरे दोस्त, राइट ओके। ओके चलिए बिल्कुल अच्छा, यो ब्रो बहुत बढ़िया, देखो 500% देखो परसेंटेज जहां पे भी दिखे उसके आसपास नजर दौड़ा लिया करो, परसेंट जहां पे दिखे उसके आसपास नजर दौड़ा लिया करो। क्या 2 जीरो दिख रहे हैं, अगर 2 जीरो दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2 जीरो अगर नहीं दिख रहे हैं, अगर 2 जीरो नहीं दिख रहे हैं तो डेसिमल चिपकेगा। हालांकि मुझे परसेंटेज के बगल में ही दिख गया, मुझे जो 0 था मेरे भाई वो तो मुझे परसेंटेज के बगल में ही दिख गया, इसका मतलब ये तो मेरा कैंसिल हो गया, खत्म कहानी। अब कितना बच रहा है, 5 of 1600, ऐसे लिखोगे आप 5 multiplied by 1600, ध्यान रखना ऑफ को पहले ब्रेक करते हैं हम लोग, ऑफ को क्या करते हैं पहले ब्रेक करते हैं, डिवाइड बाय कितना होगा 2500 of 1900 लिखा है ना, यानी डिवाइड बाय होगा आपका 2500 और ऑफ का मतलब क्या हुआ मल्टीप्लाइड बाय ऑफ 900, ठीक है, और फिर लिखा हुआ डिवाइड बाय 96 यानी कि 1/96 आ जाएगा, ये बात भी सही रही। और बराबर यहां पे हां ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, घबराना मत, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, देखो 340-480 बता रहे हैं, ये इस टाइप में होगा मेरे दोस्त, ध्यान रखना ठीक है, यानी कि ये ऑफ का मतलब पूरा का पूरा ब्रेकेट हो गया। हाँ ऑप्शन में हो सकता है मिस्टेक हो, आगे देखो, अब यहां पे लिखा हुआ हमारे सामने कितना कि x और प्लस का x और बराबर कितना लिखा है 370 के बराबर,
देखो ऑप्शन में मिस्टेक है, आप सारे लोग आंसर भी निकाल दोगे, मुझे पता है, मुझे क्वेश्चन भी याद आ गया, इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में मिस्टेक थी। अब चलो सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। 0000 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल हुआ, नीचे 5 आ गया, ठीक है। 16 से ये कैंसिल हुआ तो नीचे 6 आ गया। अब नीचे कितनी बड़ी नंबर आपको दिख रही है? नीचे आपको 900 दिख रहा है, ध्यान रखना गलती यहीं पे होती है, आप सारे लोगों ने गलती की है, यकीन मानिए आप सारे लोगों ने गलती की है, ठीक है। आपने क्या किया है हम बता रहे हैं, आपने 1600-2500 को एक साथ लपेट लिया, 1600/2500 कर दिया। ध्यान रखना ऑफ का मतलब ऑफ पहले सिंप्लीफाई होता है, आप इस पोर्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये पोर्शन पूरा का पूरा आपका कहां पे जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड बाय 96 ये भी आपका डिवाइड में जाएगा। ये अगर हम इसको ढंग से लिख दें तो ये आपका इस टाइप में कुछ कुछ लिखा जाएगा, 500% ऑफ 1600, ठीक है, और डिवाइड बाय फिर हो जाएगा आपका 2500, और ऑफ का मतलब फिर हो जाएगा 900, और डिवाइड बाय 96 का मतलब 1/96 प्लस एक्स और बराबर 370। अगर इसके अलावा कुछ सॉल्व करोगे तो एक ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, ओके? इसके अलावा कुछ सॉल्व करोगे तो एक ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, इसके अलग सॉल्व करो जैसे जो लिखा है इसको सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन नहीं मैच करेगा। ध्यान से अगर देखो तो ये परसेंटेज और जीरो क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये जीरो जीरो से मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया। अब इसको कैंसिल करोगे तो नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है, 16 से कैंसिल किया नीचे 6 आ गया, यानी आपके पास डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू बच रही है, आप एक्स में से घटाएंगे 370 में से, ऑप्शन मैच नहीं करेगा, बात समझ पा रहे हो? तो इसके चक्कर मत पड़ो, ये क्वेश्चन आपको बस इसीलिए था कि आपको बोर्ड मास का रूल सही से पता हो, बोर्ड मास का रूल सही से परफॉर्म करना सीख लो मेरे भाई, गलतियां मत करना आप, ठीक है ना। चलो ऑप्शन से गलती हुई मेरी, ऑप्शन मेरी गलत है, मुझे याद आ गया क्वेश्चन, ऑप्शन वही मैंने चिपका दिए, ठीक है। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल ये रहा आपके सामने, टाइमर आपका ये शुरू होता है, शुरू हो जाओ। ओके डन। देखो अब अप्रोच ही मैटर करने वाली कि आप कितनी जल्दी मल्टीप्लाई करके लिखते हो, ठीक है, कितनी जल्दी मल्टीप्लाई करके लिखते हो। अगर आप ध्यान दें तो परसेंटेज जो है नीचे जाएगा तो कितना होगा, 100, यही होगा 100, और आप 40% को वैसे भी आप 4/10 लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं, चलो ठीक है भाई। और 4 को 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 300 आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, 16 × 3 = 1900, 4 को 475 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 1900 के बराबर आएगी। नीचे एक जीरो है, एक जीरो को टर्मिनेट कर देगा, ये वैल्यू मेरी 190 के बराबर हो जाएगी। यही मैटर करता है, छोटी छोटी बातें, कितनी जल्दी आप लिख सकते हो इसको, 190 आपने लिख दिया, प्लस आगे लिखा हुआ है मेरे भाई, अब बोला गया 190% ऑफ 6000, ऐसे लिखा हुआ है। अब परसेंटेज है तो इस परसेंटेज को हटाओ आप, और दो जीरो कहीं से भी आप उड़ा दो, दो जीरो आप कहीं से भी उड़ा दो, ठीक है, इतना आपने कर दिया, यानी अब तक आपके पास बचा हुआ है 190 मल्टीप्लाइड बाई 60 एंड डिवाइड बाई 2850, इतना बचा हुआ है, एक जीरो से एक जीरो और आप कैंसिल कर सकते हैं, इतना मेरे पास आ गया। 19 से कैंसिल करोगे तो 19 से कम 19 हुआ, और फिर 28 में ये आ जाएगा कितना, 15 के बराबर। ऊपर लिखा हुआ कितना, 6 × 10 60, 60/15, 60/15 का मतलब ये पूरी वैल्यू हो गई आपकी 4 के बराबर, 190 और 4 जोड़ दिया 194, 194 आपका आंसर आ गया। देखो कुछ लोग 195 भी बता रहे, छोटे से सवाल में गलती भी कुछ लोग कर रहे थे, 194 आपका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अब बस फुर्ती दिखाओ फटाफट से कितनी तेज आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या आपकी अप्रोच है, इसी पे आप मैटर, इसी पे चीजें आपकी चलने वाली है। अब बस देखते जाओ किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से आप कर रहे हो, अप्रोच मैटर कराओ अपनी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलो बस फटाफट से आंसर करते रहो आप सारे लोग। चलिए तो टाइम खत्म हुआ, आपके सामने क्या लिखा, 3600/64 ऐसे लिखा हुआ है, 3600/64 हो गया, बगल में 180 लिखा हुआ है, ठीक है भाई। चलो एक बार आप लिख दे इस चीज को, 3600 डिवाइड बाय 64 और मल्टीप्लाइड बाय 180 ऐसे लिखा हुआ है। बोर्ड मास का रूल जरूर ध्यान रखना, ऐसी जगहों पे बहुत तेज फिसलते हो, बहुत तेज 18 × 36 मारे होगे कट, है कि नहीं, तो बोर्ड मास का रूल जरूर ध्यान रखें, गलती होने की संभावना रहती है। माइनस का 125 लिखा हुआ है और बराबर आपके सामने लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के बराबर, इतनी कहानी होगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 8 से कैंसिल करोगे, पहले सबसे पहले हम क्या करें, इसको 4 से ही कैंसिल कर देना, इसको सबसे पहले 4 से ही कैंसिल करो तो नीचे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और 4 से इसको कैंसिल करोगे तो ऊपर कितना आएगा, 45 आ जाएगा, चलो ठीक है भाई। फिर से 4 से कैंसिल करोगे तो इधर कितना आएगा, 900, फिर से 4 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 900, नीचे हमारे सामने फिर 4 बचेगा, तो चलो कितना आ जाएगा, इधर 900
और फिर से कितना आ गया नीचे, चार आ गया, चार से फिर से कैंसिल करोगे तो चार दूना आठ हुआ, दस हुआ, चार दूना आठ, चार पंचे बीस, यानी कि 225 गुणे 45 आ चुका है। यहाँ पे आपके सामने कितना बचा है, 225 मल्टीप्लाइड बाई 45 और माइनस का 125, ठीक है, इतना हमारे सामने बचा हुआ है। अभी भी ये मुझे मुश्किल में डाल रहा है कि नहीं, मुझे इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे सामने एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। चलो ठीक है, सॉल्व इसी को करना है, हम 45 को 225 से मल्टीप्लाई करने का रिस्क नहीं लेंगे, तरीके बहुत सारे उसके भी हैं लेकिन हम नहीं लेंगे। हम क्या करने चल रहे हैं, इसमें से हमने 25 कॉमन लिया, इन दोनों में से 25 कॉमन लिया और 5 हमने निकाल के बाहर फेंक दिया। अब जब आपने ऐसा किया तो यहां पे कितना बच गया, 9 बचा, और 9 गुणे 45 आप सब बहुत अच्छे से कर सकते हो, कितना आएगा 9 गुणे 5 45 और ये हो गया 405, माइनस यहां 25 लोगे तो कितना आएगा 5, और ये वैल्यू मेरी कितने के बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर। 405 में हमने 5 घटा दिया, 400 आ गया, 400 का स्क्वायर रूट ले लिया, 20 आ गया बाहर, यानी 5 गुणे 20 मेरा जवाब रहा, और 5 गुणे 20 का मतलब कितना हो गया 100। अप्रोच ही मैटर करती है और नथिंग, और कुछ मैटर नहीं करता, 100 सबका आ रहा है भाई, चलो ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हो, 100 सबका सही जवाब है, 100 आपने निकाल भी दिया। अगला सवाल आपके लिए रहा, दिमाग लगाओगे तो फट से आंसर कर दोगे वरना सॉल्व करते रहोगे। अगर आपका दिमाग काम कर गया, सोचो जरा इस क्वेश्चन को देख के, ध्यान से देखो, कुछ अप्रोच एक्स्ट्रा आपको यहां पे दिखेगी, कुछ इसमें अलग सा है मेरे दोस्त, उसको पहचानिए आप सारे लोग। अगर कोई पैटर्न, कोई तरीका मेरा सॉल्व करने का ना समझ आए तो परेशान मत होना, वीडियो आपके पास रहेगा, पीछे घुमा के फिर से सुन लेना, आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कैप्सूल आप ही के पास है, विकास ही पूछ रहे स्पीड बढ़ाने के लिए कैप्सूल कहां से मिलेंगे, वो आप ही के पास है, वो आप ही के पास है मेरे भाई, जैसे आप बस उनसे सीखो जो आर्मी की जो रेस होती है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, 1600 मीटर इतने टाइम में निकालना है, वो दिन रात उस पर क्या करते हैं, जब भी रेस करते हैं अपना तो उसी स्टॉप टाइम लगा के प्रैक्टिस करते हैं, है, करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, अरे जब एक रस्सी पत्थर पे निशान कर सकती है तो आपकी स्पीड क्यों नहीं बढ़ सकती यार, ईश्वर की सबसे अच्छी संरचना है आप, हैं, आप इंसान हैं, आप ईश्वर की सबसे अच्छी संरचना है, इस बात को महसूस करें। अगर यहां पे देखो अप्रोच क्या दिख रही है, अगर सिंपल सी बात देखा जाए तो ये जो नंबर दिख रहा है वो हमें क्या दिख रहा है, 3 का मल्टीपल। कैसे मैंने कहा 3 का मल्टीपल, क्योंकि 12 में 3 है ऑलरेडी, क्या हम इसको 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं ना, अगर हम 3 × 4 लिख दिए तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा, 3 × समथिंग ऐसे आएगा मेरे पास, 3 × समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, और ये क्या लिखा है, माइनस का 2136 लिखा हुआ है, इस साइड आके जुड़ेगा तो क्या ये 3 का मल्टीपल है, हाँ भाई ये भी 3 का मल्टीपल है, यहां पे भी कुछ आएगा, कैसे पता चल गया मुझे 3 का मल्टीपल, क्योंकि मैंने इनको ऐड कर लिया, 6 3 9 1 10 2 12 है भाई, 3 का मल्टीपल क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी द मल्टीपल ऑफ 3, देन द नंबर इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, अगर सम ऑफ डिजिट हमारा 3 का मल्टीपल है तो ये नंबर भी मेरी 3 की मल्टीपल हो गई, ये मेरा एक्स का जवाब रहा। अरे मेरे भाई देख के समझ आ रहा है कि दोनों में 3 का मल्टीपल, तो ऑप्शन भी तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ऑप्शन भी तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना, क्या ये अब सिर्फ डिजिट को ऐड करो, देखो कौन सी नंबर 3 से कट रही है, मुझे डायरेक्ट एक नंबर दिख रही है ऑप्शन डी, इसके अलावा कोई भी मुझे नंबर 3 का मल्टीपल नहीं दिख रही, और ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये मतलब एग्जाम के का मतलब ऑथेंटिक क्वेश्चन जो हमारे पेड बैचेस के हैं, है ना, उसके क्वेश्चन है ये, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि हमने अपनी तरफ से ऑप्शन वगैरह सेट किया, तो कहने का मतलब अगर आपका दिमाग काम किया तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, वरना सॉल्व करके तो आंसर दुनिया निकाल देगी, है कि नहीं। आ जाओ अगले सवाल पे मेरे भाई, टाइमर स्टार्ट। ओके, अगर चीजें अच्छी लग रही हो तो यार लाइक वाइक भी टच करते जाना, आपको पूरा सेशन देखो, सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अप्रोच ही मैटर करती है, अप्रोच आपके अगर चेंज हो गई तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, टाइम अप हुआ आपका। अब यहां पे क्या दिख रहा है, पावर कंपैरिजन, 5 का क्यूब लिखा हुआ है, लेकिन आपको दिख रहा है यार कि जो यूजुअली मुझे दिखता है उस टाइप का सवाल तो है नहीं है। अब इसका मतलब है क्या, जरा देखो, 12 का क्यूब लिखा हुआ मल्टीप्लाइड बाय 3 का क्यूब, तो हम क्या इस 12 के क्यूब को अंदर 3 × 4 लिख दे भाई, लिख सकते हैं ना, तो अगर इसको 3 × 4 लिखोगे और यहां बगल में 3 का -3 2 पावर -3 है, तो यानी कि मेरे पास जो बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ 4 2 पावर 3 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अब ये कैसे किया जरा वो भी देख लो, ऊपर 12 का क्यूब लिखा था, हमने इस 12 का लिख दिया 3 का क्यूब × 4 का क्यूब, भाई इसको तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 2 पावर -3 था, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3 2 पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा, इतना ही बचेगा, यही चीज हम आपसे कह रहे थे बार बार, इसको डायरेक्ट आप लिखो एक झटके में, इतना आपने लिख दिया, राइट। अब 2116 लिखा हुआ, ये किसका स्क्वायर रूट है, आप सारे लोग जानते हो किसका स्क्वायर रूट है भाई, ये 2116 स्क्वायर रूट किसका, पहले तो वो आप बताएं, तो आप कहोगे अगर हम सपोज
2116 है, अगर हम भाई किसका स्क्वायर करें, ये स्क्वायर है किसका, जल्दी से पहले तुम ही लोग बताओ कि ये एक्चुअल में स्क्वायर है किसका। 56 का स्क्वायर कितना होता है 56 का, मुझे लग रहा है 56 का स्क्वायर है, क्योंकि 50 का स्क्वायर नहीं 56 का नहीं है, 2116। जल्दी बताओ यार, स्क्वायर रूट मुझे याद नहीं आ रहा है, निकाल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे 16 है तो 16 है तो लास्ट में कितना आएगा, या तो 4 आएगा या तो 6, अगर नया याद आए कोई बात नहीं, नहीं याद आ रहा तो जल्दी से आप निकालना भी सीख लो। 4 या 6, 21 किसके आसपास है, तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी हो गया 4। अब ये देखो 21 किसके आसपास है, 16 में गैप कितने का है 5 का, और ये 25 में गैप कितने का है 4 का, यानी बड़ी वाली नंबर। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है, आपने कहा 46 का, ठीक है भाई, ये किसका स्क्वायर है आपने कहा 46 का, लिख दिया मैंने 46, माइनस का 15 इस साइड आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, 5 to power है मुझे लिखना है। 4 का क्यूब कितना हो गया आपने कहा 64, कितना हो गया भाई 64, और 64 और 46 ऐड होगा तो 60 40 100 मिलके कितना हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी 110 हो गई, 110 प्लस 15 मिलके कितना हो गया आपने कहा 125, 125 5 की पावर, 5 की ये पावर है, 125 का मतलब 5 का क्यूब और 5 की पावर, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 3 के बराबर, ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर रहा, ठीक है भाई, हो गया, चलिए डन। तो कहने का मतलब, हो सकता है आपको जल्दबाजी में किसी टाइम दिमाग कैसा है कैसा नहीं, वैसे मुझे पता है आप सबको 40 50 100 तक के स्क्वायर याद है, लेकिन मे बी पॉसिबल अगर आपको नहीं याद आ रहा झटके में, तो मैंने आपको निकालने का तरीका भी बताया कि स्क्वायर रूट कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं। 5 क्वेश्चन आपने दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का कर लिए, कुछ आपको ये प्रोसेस सीखने को, सिंप्लीफिकेशन वो चीज होती है जहां पे आप यूनिट डिजिट, डिजिट सम, आप मल्टीपल वाला रूल है कि नहीं, इन सारी चीजों का कंक्लूजन निकाल के आप ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन की एग्जैक्ट वैल्यू लिखी होती है ये। इस बात का ध्यान रखना, क्या हम कहना चाह रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में यही अंतर मेन आता है, ये जो पूरा का पूरा आपका एक्सप्रेशन था इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज आपके सामने रखी गई है, कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू कोई इनमें से एक है, तो यहां पे हम सारे नियम अपने लगा सकते हैं, हम इसमें से अपना यूनिट डिजिट का रूल, हम अपना डिजिट सम है, हम अपना डिजिट सम भी लगा सकते हैं, हम अपना यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे मल्टीपल वाले रूल्स भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी इस सवाल में लगाया था, मल्टीपल वाला ही रूल लगा था ना कि 3 का मल्टीपल ये 3 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन भी 3 का मल्टीपल, लेकिन ये सारी की सारी विद्या, जितने भी ये हमारे नियम कानून है, ये सारी की सारी चीजें आके मेरी एक जगह पे समाप्त होती हैं, और जब हमसे पूछा जाता है मेरे दोस्त कि फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, जब मुझसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी जाती है, तो ये सारी की सारी विद्याएं मेरी धरी की धरी रह जाती हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करके वहां पे आंसर निकालते हैं, और वहां पे मेरी अप्रोच की असली परीक्षा होती है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, आपके सामने अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन ये रहा, टाइमर आपका स्टार्ट होता है, शुरू किया जाए भाई फटाफट से। हाँ भाई श्रीवास्तव, मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना दिखाया तो बेटे, हाँ क्वेश्चन ऐसे ही है, यही आपका एक्चुअल लेवल है इस क्वेश्चन की, इस लेवल को पहचानने बहुत ज्यादा ना तो आपको पीएचडी करने की जरूरत है मैथ्स में, है इस बात को समझना बहुत गंभीरता से, बड़ा कड़वा सच है लेकिन समझ बहुत लेट आता है, ये बात समझ बहुत लेट आती है, आप मैथ पढ़ क्यों रहे हैं इस बात को ध्यान रखना मेरे दोस्त, वरना भटकाव बहुत तेज होता है, पढ़ क्यों रहे हो मैथ्स, ताकि आप मैथ्स का जो 35 नंबर का प्रीलिम्स का एग्जाम होगा उस 35 में अच्छा स्कोर कर पाओ, इसलिए मैथ नहीं पढ़ रहे हो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में इतना घोर अध्ययन कर लें कि हमको राष्ट्रपति के हाथों मेडल मिल जाए, इसके लिए तो नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आप उस पर फोकस करो कि मेरे हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप एक्चुअल लेवल को पहचानिए, आप लोग एक्चुअल लेवल क्या, हम ऐसा नहीं कि हमको बोल दिया गया कि भाई चलो 4 अरब 5 लाख 35 लाख इतना करो और वो निकाल के हमको पद्म विभूषण मिल जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, आप पढ़ किस लिए रहे उसकी जो आपको जो एग्जाम में मिलता है उसमें प्रैक्टिस करना शुरू करें, ये आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना, आपको यहां पे क्या क्वेश्चन मार्क, यहां पे क्या दिख रहा है 3 to power, चलो भाई ठीक है, आपको ये क्या दिख रहा है 5.9, क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, आप इसको ऐसे लिखो 3 की पावर x तो लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर कितना लिख दिया मैंने 4 लिख दिया, 5.9 का मतलब 6 का स्क्वायर मैंने 36 लिख दिया, बराबर 11.9 मतलब क्या होता है 12 का स्क्वायर, चलो हम इसको 12 × 12 ही लिखते हैं, इवन हम 144 भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 144 लिख दिया, 8.9 का मतलब 9 हो गया, बस इतना सिंप्लीफाई करना था, अब सिंपल सी बात है आप इसको टर्मिनेट करना शुरू करेंगे मेरे भाई, आप देख रहे हैं यहां पे 36 × 4 पूरा क्या हो गया 144, ये 144 इस 144 को टर्मिनेट करेगा, आपने देखा कि 3 to power x की वैल्यू 9 के बराबर है, इसका मतलब ये 3 के स्क्वायर के बराबर है, x हमारा कितने के बराबर 2 के बराबर, कहानी खत्म, जय हिंद जय भारत, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट भाई फटाफट से, आप सारे लोग आंसर करते रहो, बिल्कुल शिवम सिंह का भी आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है, इस लेवल पे जाके प्रैक्टिस करो, बस यही मिलने वाला एग्जाम है तो फिर क्यों परेशानी होनी है, अरे यार ये क्या ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया है, चलो आप ऑप्शन देख के तुक्का तुम्हारना नहीं है, ऑप्शन आपका आगे पीछे हो गया थोड़ा देख लेना, एडजस्ट कर लेना, उल्टा हो गया पूरा का पूरा, इनवर्स हो गया है, चलो
चलिए तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, 12.5%, ज्यादा भटकाओ मत करना, 12.5% को डायरेक्ट 1/8 लिख दो, ऐसा मत सोचो कि 12.5 लिखा है इसको हम 12 लिख दे क्या, है कह दो अप्रोक्सीमेशन गुरु जी 12 लिख दे क्या, मत करना ये, आपको 12.5% आसान नंबर पता है भाई, क्या होता है ये 12.5%, 1/8 होता है, अब इसको क्या करना है, ये 512 लिखा हुआ है, 512 लिखा हुआ है एक्चुअल में, तो 512 डिवाइड बाई 8 करोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 64 आ गई ना भाई, क्योंकि 8 का क्यूब 512 होता है, डिवाइड बाई 8 है काटेगा तो 64 बचेगा, 37.5% बेटे 3/8 होता है, अभी ये कितना लिखा हुआ है, ये आपका 96 लिखा हुआ है, है? 96 लिखा हुआ है ना, अब 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 3 हमारा 36 के बराबर हो गया, ये बात भी सही रही, और प्लस आगे लिखा कितना है, 3 लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिखा है भाई, अब ये पूरा का पूरा मैंने जोड़ा तो वैल्यू कितनी, 121 के बराबर, इधर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया तो वैल्यू मेरी कितने के बराबर, भाई दिख नहीं रहा, अब यही 11 दिख रहा है बगल में, 11 चिपका देना, सबका 11 आ गया ना, आंसर आप सारे लोग कर रहे हो बस लाइक नहीं कर रहे हो, चलो भाई लाइक वाइक भी टच करते चलो यार, थोड़ा हमें भी अच्छा लगे, हमारा भी जरा मन करे कि हाँ ठीक है बच्चों के लिए स्पेशल स्पेशल लेक्चर लेते रहो, है ना। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर स्टार्ट जल्दी से, अभी आपको रॉन्ग नंबर सीरीज भी करनी है मेरे भाई, है रॉन्ग नंबर सीरीज भी करनी भाई, चलिए ओके देखो हम आपको एक बात बहुत फैक्ट बताते हैं, जो सवाल हम करवाया करें उन सवालों को आप नोट करके रख लिया करो, ठीक है, जो सवाल हम, ये जो सवाल आपको देते हैं ना यहाँ पे, इनको ऐसे छोड़ मत दिया करो, चाहे स्क्रीनशॉट लेके चाहे पीडीएफ डाउनलोड करके इन सवालों को रख जरूर लिया करो, और कोशिश ये किया करो कि इन्हीं सवालों के, इस टाइप के सवालों के आसपास के सवालों की ही प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये हम कोई ना तो इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है ना इसमें हमारा कोई कुछ है, हम बस एक एक जो फैक्ट बता रहे हैं, इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में मिलते हैं, बस एकमात्र चीज़, तो ऐसे ही मत इनको छोड़ दिया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवालों के कलेक्शन है मेरे दोस्त, है ना। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं, आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, 64 लिखा हुआ है ना, और ये बगल में 4 12 कैंसिल होगा 3 आएगा, यानी कि अब आपको दिख गया भाई 64 की पावर 1/3, है ना, और 64 की पावर 1/3 का मतलब क्या लिख सकते हो भाई, 4 कुल मिला के 64 का क्यूब रूट पूछ रहा है वो, 64 का क्यूब रूट पूछ रहा है, कितना हो गया, 4 हुआ ना भाई, और ये कितना लिखा आपने, 4 लिख दिया, बगल में 15.99 लिखा है, 16 लिखा है, तो 16 × 4 पूरा का पूरा आपने देखा, जब इसको एक झटके में आपने देखा, अभी आपने काट पीट मचाई, लेकिन एक टाइम प्रैक्टिस के बाद आपके सामने आएगी, जब इस पूरी की पूरी वैल्यू को आप एक लाइन में लिखेंगे 64 के बराबर, है ना, उस वक्त तक आपको प्रैक्टिस करनी, जब एक झटके में आप देखें और सेकंड के माइनर हिस्से में आप इसको लिख दें 64 डायरेक्ट, और इसके बाद और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इट मे बी पॉसिबल कि अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये इम्पॉसिबल टास्क लग रहा हो, लेकिन आपको उस लेवल तक पहुंचना है तभी स्पीड निकल के आएगी। यहां पे लिखा हुआ है मेरे दोस्तों कितना, 32 के बराबर, इधर कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, चलो मैंने इसको लिख दिया 32 × 8, क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते उसका भी जवाब बताते, क्योंकि बगल में मुझे एक्स मल्टीप्लाइड बाई 8 दिख रहा है, अब मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान होगा मेरे भाई, क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हुआ, इधर भी मेरा 8 आ गया, 32 और 8 मिलकर 40 मुझे दिख रहा है, तो 40 मेरे सवाल का जवाब हो गया, देखिए आपको 32 और 8 मिलके कितना हो गया, 40, और 40 मेरे सवाल का जवाब हो गया, ये पीपीटी क्लोज करने के बाद पता नहीं क्या मेरे साथ हो गया, पूरी की पूरी ऑप्शन ही आपके पलट गए, तो चलो थोड़ा सा आप इसका एडजस्ट करना, ये पीपीटी की थोड़ी सी मतलब कुछ मेरी फॉल्ट हुई है, हालांकि लगा तो सब कुछ सही था, पीपीटी बनाया तो सब कुछ सही थे हम, लेकिन ये आगे पीछे हो गया, आप इसमें एडजस्ट कर लेना, जैसे ए लिखा है 25, बी लिखा है 56, सी लिखा है 40, डी लिखा है 64 और ई लिखा है 32, तो ये उलट पुलट अल्टी पल्टी हो गया, ठीक है भाई, 40 आ गया ना। चलिए ओके जैसे ही दिखता है आप तुरंत अटैक करके सिंप्लीफाई कर दिया करो ना, ऐसी तो स्पीड बढ़ेगी मेरे बच्चे। चलिए भाई ओके अभी इसके बाद आपको रॉन्ग नंबर सीरीज भी करनी है, इस बात का ध्यान रखें मेरे दोस्तों। ओके टाइम अप होने वाला है, ध्यान से देखते रहे चीजों को, कितना लिखा 3374, अब छोटे मोटे क्यूब वगैरह याद होने चाहिए, किसका क्यूब लिखा हुआ है वो, ये किसका क्यूब है भाई, अगर हम इसको 3375 लिख दें
3375 लिख दें तो ये वास्तव में किसका क्यूब है, तो आप सबको पता है किसका क्यूब है, 15 का क्यूब। क्यूब रूट अगर नहीं निकाल, अगर क्यूब रूट नहीं याद है 15 का क्यूब तो निकाल लेना। कैसे निकालेंगे, 307 पाँच लिखा है, आखिर में तो पाँच ही आएगा, बगल में तीन है, अगर बगल में तीन है तो किसके किसके क्यूब के बीच में है, एक का क्यूब एक होता है, दो का क्यूब आठ होता है, एक बचा, एक को चिपका देना 15, और वरना इतना छोटा तो याद ही होना चाहिए, इतना छोटा तो याद ही होना चाहिए। तो ये कितना आ गया मेरे सामने, सबसे पहले मेरे सामने निकल के आ गया 15, इस पूरी की वैल्यू, पूरी वैल्यू को मैंने लिख दिया 15 के बराबर। बगल में लिखा है 21 और इधर लिखा हुआ है कितना, 14.9 का मतलब 15, तो 21 और 15 मिलके 36 हुआ ना भाई, 36 का स्क्वायर रूट ले लो डायरेक्ट, आप लिखो 6 के बराबर मल्टीप्लाइड बाई 11 के बराबर, यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और प्लस इधर कितना लिखा है 29 के बराबर, 15 गुणे 6 कितना 90, 11 को 90 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, आपको 990 के बराबर है भाई, 15 गुणे 6 कितना होता है 90, 90 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 990 आएगा, और इसमें 29 घटाना है, कितना आएगा 10 में 9 घटा दिया 1 आ गया 9, और यहां बचा 8 में 2 घटा दिया 6, बगल में कितना 961, और 961 का क्या लेना है आपको, स्क्वायर रूट लेना है, ये 961 क्या है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 961 के बराबर तो मुझे क्या लेना है, 961 का स्क्वायर रूट कितना होता है, आप सबने कह दिया 31 होता है, सबने बोल दिया 31 होता है, सबका 31 आंसर भी आ रहा है, बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे हो आप सारे लोग, लाइक वाइक भी टच करते रहो, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता रहे भाई। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। सवाल देखने में अगर अप्रोक्सीमेशन के कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वो सवाल आपका वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए शुरू हो जाओ फटाफट से। ओके टाइमर लो, बिल्कुल भाई विकास त्यागी जी भाई 31 बता रहे हैं। ओके ऐसे सवालों को सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो हम आपको बताते हैं। सबसे अच्छा मतलब हो सकता है आप किसी और तरीके सॉल्व करें और आपका जल्दी आंसर आ जाए तो आप कहेंगे गुरुजी इससे अच्छा तरीका मेरे पास है, एक बोलने का बस वही है कि 3.99 का मतलब कितना हुआ 4, मतलब ये है कि एक बार आप इनको बिछा के लिख दो, मल्टीप्लाई वगैरह डायरेक्ट मत करना, बिछा के लिखो डायरेक्ट, तो उससे होगा क्या आपके लिए, उससे ये होगा कि स्क्वायर मतलब कट पिट के वैल्यूज जल्दी निकल के आएगी। 3.99 का मतलब कितना हुआ 4 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा 16 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 144 का स्क्वायर रूट ले लिया वैल्यू 12 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 15.9 का मतलब 16 लिखा हुआ है, 7.9 का मतलब 8 लिखा हुआ है, बराबर 2.9 मतलब 3 का क्यूब कितना लिखा हुआ है 27 मल्टीप्लाइड बाई 7.9 मतलब 8 लिखा हुआ है, 2.2 का स्क्वायर मतलब 4 लिखा हुआ है, बस इतना ही करना था मेरे भाई और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। एक बार आपने लिख दिया आप काट पीट के देखो कितनी जल्दी आंसर आपका आता है, 16 आपका टर्मिनेट हुआ, 4 से ये कैंसिल हुआ भाई कितनी बार जाएगा 2, 2 से ये कैंसिल हुआ 6 के बराबर आ गया। ओके अब क्या करोगे आप, सब कुछ सही है तो एक्स यहां पे 6 लिखा हुआ है, यहां 27 गुणे 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम 2 से इसको कैंसिल करें तो 4 आएगा, 3 से इसको कैंसिल करें तो 9 आएगा भाई, ये 6 भी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 के बराबर, तो एक्स की वैल्यू 6। आप अगर ध्यान दो तो मैंने यहां पे क्या किया, एक चीज हम आपको बताते हैं, जैसे मुझे यहां पे दिख रहा था एक साइड दिख रहा था 6, ध्यान से देखो एक साइड दिख रहा था 6, दूसरी साइड मुझे दिख रहा था 27 और 8, मुझे समझ नहीं आ रहा कि 6 से हम 27 को काटें, अरे यार इधर लिखते हैं, चलो इतना आंसर आ गया 6 के, आपका आंसर आ चुका है, जरा हम आपको बताते हैं हमने किया क्या है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे एक साइड लिखा हुआ था 6 और दूसरी साइड ऐसे लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 27 और मल्टीप्लाइड बाई 8 ऐसे लिखा था, तो मैंने किया क्या, मुझे दिख रहा है यार 6 की टेबल पढ़ेंगे तो ना तो मेरा 8 कटेगा, 6 से काटेंगे तो 27 भी नहीं कटेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा 6 में क्या है 2 और 3, 6 में क्या लिखा हुआ है 2 और 3, ये मैंने मन में कर लिया कि 2 और 3 लिखा हुआ है, 2 से मैंने इसको काट दिया 4 आ गया, ध्यान से देखो 2 से मैंने क्या किया इस वाले को काट दिया और यहां पे कितना आ गया 4, और 3 से मैंने इसको काट दिया 9, बस ठीक है, और 6 को मैंने टर्मिनेट कर दिया। ये सब भी धीरे धीरे आप स्पीड के साथ करना शुरू कर दो। ओके तो अगला सवाल, अब यहां पे हम लोग रॉन्ग नंबर सीरीज में मूव करने वाले हैं, आप सबको पता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज को कैसे सिंप्लीफाई करें, एकमात्र फंडा पैटर्न पकड़ना होता है, बस इतना देखना, आप झटके में आपके मन में यह आ रहा है सर नंबर सीरीज जल्दी नहीं हो पाती, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है ना, आप में से 90% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होगी नंबर सीरीज जल्दी नहीं हो पाती, बस करना इतना है कि आप नंबर सीरीज को देखो तो इतना सोच लो क्या फीलिंग्स आ रही है, फीलिंग्स दो टाइप की आएगी क्या, एक या तो आपको डिफरेंस लेने का मन करेगा या तो आपको पता चल जाएगा मल्टीप्लाई है, और अगर मल्टीप्लाई हो तो हमेशा लास्ट के दो टर्म से जाना, तुरंत के तुरंत पैटर्न पकड़ में आ जाएगा, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में थोड़ा बचना लास्ट के टू जाने से, हो सकता है सेकंड वाला ही गलत हो, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं जहां पे मुझे बढ़िया दिख जाए, जैसे 60 लिखा हुआ है 120 लिखा हुआ है तो बीच में ही समझ आ गया हाँ लगभग ये दो गुना है, ऐसे
ठीक है, आइए रॉन्ग नंबर से। तो बस जो आपके दिमाग में है कि पहले डिफरेंस लेना है कि मल्टीप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना आप लोग। सवाल आपके सामने रहा दोस्तों, टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो जाओ फटाफट से एकदम जल्दी जल्दी। ओके, क्या दिमाग काम कर रहा है? 142 223 मल्टीप्लीकेशन तो है नहीं, क्योंकि 14 दूनी 28, 280 के ऊपर जाता है कि नहीं? ओके, डन, टाइम खत्म हुआ। अब ध्यान से देखो क्या क्या मन कर रहा है आपका, है? सबसे पहले तो डिफरेंस ही लेने का मन कर रहा होगा ना, तो ले लो डिफरेंस। कितने का डिफरेंस आया? आपने कहा 3 का डिफरेंस। यहां पे कितने का डिफरेंस? आपने कहा 13 का डिफरेंस। अच्छा, 3 और 13 से कुछ आइडिया मुझे लग चुका है। 3 और 13 देख के आइडिया लग चुका है कि भाई 3 चौक 12 1 13, ऐसे आइडिया लग चुका है। 20 और 60 का डिफरेंस कितना दिख रहा है? आपने कहा 40। इससे भी अब कंफर्म हो गया। क्या क्या कंफर्म हुआ? क्योंकि 3 × 4 + 1 13 हुआ, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं आप कि 3 × 4 + 1 मेरा 13 हुआ, और 13 × 3 + 1 हमारा 40 हुआ। आइडिया लग गया ना? इसका मतलब आगे आगे क्या होना चाहिए? × 2 + 1, यानी कि 40 × 80 और 1 मिलके यहां पे आपका 81 होना चाहिए। 60 और 81 हो गई गलती, पकड़ में आ गई यार। ये 142 लिखा हुआ, 142 नहीं, यहां पे कितना होना चाहिए? 141 होना चाहिए, यानी आपके सीरीज का गलत टर्म कौन सा रहा? 142। डन। ऐसे आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी पैटर्न पकड़ में आना चाहिए। भाई पहले निगाह मेरी किस पे गई? आपके दिमाग में दो ही चीज आ सकती है, तो डिफरेंस या तो मल्टीप्लाई। डिफरेंस लिया मैंने, डिफरेंस देखते 3 13, जैसे ही दो डिफरेंस दिया ना, दिखा मुझे, अपने आप आइडिया लग गया कि 3 13 का मतलब एक ही होता है। ठीक है भाई, आ जाओ अगले सवाल पे। चलिए टाइमर शुरू हो जाओ। कितने पास पास? एकदम स्मूथ नंबर चल रहे, देखो 1140 1300 1400 1400। तो क्या लोगे? डिफरेंस ही लोगे आप? लो डिफरेंस फटाफट। ओके, डन, ठीक है। 116 लिखा है, 1140 डिफरेंस लेना है। 40 में 16 घटाओ डायरेक्ट, कितना आ जाएगा? 24। 40 में 16 घटा दिया, कितना आ गया? 24। 11 में 1 घटा दिया, वैल्यू कितनी आ गई? 10। यानी क्या कर रहे हैं? डिफरेंस लेना है ना। 40 में 16 घटाया, वैल्यू 24। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा बड़ी बड़ी नंबर्स को लेके आप ऐड सब्ट्रैक्ट किया करो। 40 16 घटा दो, पूरा 24 हुआ। 11 में 1 घटाओ, कितना आ गया? 10। यानी कि आपको पता चल गया कि 1024 का इंक्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट में आ जाओ, डिफरेंस लेना है। 96 में 40 घटाओ, कितना आ गया? आपने कहा 56। 13 में 11 घटाओ, कितना आ गया? 256। देखिए आइडिया लग गया, 1024 32 का स्क्वायर होता है। 256 क्या? 16 का स्क्वायर होता है। अब तो आइडिया लगा लो, 1024 क्या? 32 का स्क्वायर होता है। 256 क्या होता है भाई? 16 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 32 का आधा 16, 16 का आधा कितना? 8। 8 का स्क्वायर यहां पे 64 आना चाहिए। ऐसे अब अगर पकड़ में आ गया तो इसके अकॉर्डिंग चलो ना, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग मत चलो, नीचे से आप डिफरेंस लेना शुरू करो। 8 का स्क्वायर 64। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? आप कहोगे भाई 96 और 64 1460। डन है, क्लियर है। आगे आ जाओ, अब 16 का आधा 8 किया था आपने, 8 का आधा कितना होगा? 4। 4 का स्क्वायर यानी यहां पे डिफरेंस कितना आना चाहिए? 16 का आना चाहिए। 1460 और 16 ऐड करो, 1476 1476 होना चाहिए। कितना होना चाहिए यहां पे? 1476 नहीं हो रहा, कैंसिल करो। 1744 आपके सीरीज का गलत टर्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहा। पहली नजर में क्या फीलिंग्स आती है? बस वही है, फर्स्ट साइट लास्ट साइट, वही तो ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। पहली नजर में अगर आपके झटके में समझ आ गया कर जाओगे, नहीं समझ आया तो अगर मेहनत नहीं की हो पढ़ाई के दौरान तो फिर बड़ी मुश्किल है। फिर नंबर सीरीज टाइम भी खाता है, अगर आपको ना पता हो तो यह भी जान लो, है ना। आ जाओ इस सवाल पे, देखिए क्या समझ आ रहा है। अब लगाओ अपना दिमाग भाई फटाफट से। ये तो नंबर्स भी आपके इससे इंडिविजुअल बहुत करीब करीब लिखे गए। शुरू करो आप, लो टाइमर। ये 69 और 135 131, ठीक है, ये सब बहुत करीब, अगर देखो ध्यान से तो बहुत स्पेशल नंबर्स हैं ये। अभी आपको दिखाएंगे तो समझ आ जाएगा। हाँ बिल्कुल भाई, कौन है? मुक्ता जी का कहना है कि मेरा फर्स्ट आंसर, वेरी नाइस। कई बार ऐसा होता है कि नंबर्स मेरी स्क्वायर और क्यूब के आसपास लिखी होती है, ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि नंबर्स मेरी स्क्वायर और क्यूब के आसपास लिखी होती हैं। मुझे 131 देख के आइडिया लग गया, ध्यान से समझना, 131 और 69, क्योंकि मुझे 64 के आसपास, 125 के आसपास, ये नंबर मेरी 64 के आसपास लिखी हुई है और ये नंबर मेरी 125 के आसपास लिखी हुई है। जहां पे आपको देख के आइडिया लग जाए उसी से समझ जाना, वहां समझ पा रहे? 125 + 6 = 31, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। आपके दिमाग में हो सकता है कोई और नंबर पहले स्ट्राइक की हो, मेरे नंबर में पहले ये स्ट्राइक की है। प्रैक्टिस के साथ आपके मन में भी स्ट्राइक होने लगेगा, ये घबराना मत कि आपको कैसे पता आपने कैसे लिख दिया, ठीक है।
अब यहां पे 64 का मतलब क्या है मेरे भाई? आपने कहा 4 क्यूब प्लस 5, 125 में क्या होता है? आपने कहा 5 क्यूब प्लस 6। हम आपको बस सिंपल सी इतनी बात बताना चाहेंगे कि मिसिंग नंबर सीरीज में बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शन आप रट सकते हैं क्या, अगर ऐसा हो तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है, वैसा है तो वैसा करना है, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में आपके मन में फर्स्ट इंप्रेशन क्या स्ट्राइक कर रहा है वो करना होता है। और हम सोचते हैं कि रॉन्ग नंबर सीरीज मिसिंग नंबर सीरीज दोनों को सॉल्व करने की एक ही अप्रोच होती है, मिस्टेक यहीं से होती है, इसी वजह से रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत आसानी से आपसे नहीं हो पाता, क्योंकि हम दोनों को सॉल्व करने की एक ही स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बदलिए आप अपनी। मिसिंग नंबर सॉल्व करना है, मिसिंग नंबर सीरीज उसमें सिस्टम है, यहां भाई मल्टीप्लिकेशन है तो लास्ट के दो पे अटैक करेंगे, लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में डिपेंड यह करता है कि पहला इंप्रेशन आपके मन में क्या बन रहा है। अब इसके बाद तो सब कुछ सिंपल है, आप यहां पर कहोगे 6 का क्यूब प्लस 7 होना चाहिए, 216 और प्लस 7 223, सही है भाई। यहां पे आप कहोगे भाई 3 का क्यूब और प्लस 4 होना चाहिए, यानी 27 4 31, नहीं हुआ, गलत हो गया, कहानी खत्म। आगे देखो फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो आप कहोगे ये हमारा 2 क्यूब प्लस 3 होना चाहिए, हो रहा है भाई। ये हमारा 1 क्यूब प्लस कितना होना चाहिए 5 3 4 5, 1 क्यूब प्लस 2 होना चाहिए, हो रहा है। तो कुल मिला के गलती कहां रही? ऑप्शन नंबर ये हमारा मतलब 34 हमारा गलत टाइम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर स्टार्ट। और दोस्तों आपको ये अगर चीजें समझ आ रही हो यार तो लाइक वाइक भी टच करते जाना मेरे भाई, ठीक है? अपनी तरफ से हम आपको इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहे हैं, पसंद आती जाए तो लाइक वाइक भी टच करते जाना। चलो ओके, टाइम अप, ठीक है। 16 क्या क्या लिखा आपके सामने, क्या क्या दिमाग में आ रहा है आपके? मल्टीप्लीकेशन लगाने वाले हैं, नहीं लगाने वाले, लगाने वाले हैं, नहीं लगाने वाले। 1 से आप 6 पे गए, 6 से आप 26 पे गए, 26 से आप 84 पे गए। अच्छा, 6 से 26 जाने के दौरान कुछ आइडिया लगा आपको? अगर आप 6 से 26 पे जाना चाह रहे हैं तो क्या किए होंगे? 6 से, बस इन तीन टर्म को जरा ध्यान से देखो, 1 से 6, 6 से 26, 6 से 26 जाने में क्या किया आपने? 24 के आसपास, यानी आपने क्या किया? मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2, 24 2 26 हो गया। अगर 1 से 6 जाना चाहते हैं तो क्या किए होंगे आपने? मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1, सही है, 5 4, यानी आगे क्या? तो आप कहोगे मल्टीप्लाइड बाई 3 और 1 2 के बाद 3, आगे क्या? 1 5 4 3, तो आगे आप कहोगे मल्टीप्लाइड बाई 2 और 1 2 3, तो आगे 4, सही है। और 5 4 3 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई और 1 2 3 4 ऐड किया तो वैल्यू हमारी 5 बन गया, पैटर्न, कहानी खत्म। अब मिला लो कहां गलती हो रही है, देख लो कहां गलती, मैंने पैटर्न भाई देख के बना दिया आपके सामने, अब गलती पहचान लो कहां पे हो रही। 26 यहां तक तो सही था, 6 गुणे 4 24 26, 26 के बाद क्या? 26 गुणे 3 हमारा कितना हुआ भाई? आपने कहा 78, 78 में 3 जोड़ेंगे तो 81 होना चाहिए, 84 पे गलती है। और एक बात ध्यान रखना, जब आपके सामने रॉन्ग नंबर सीरीज दी जाए, देखो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कौन सा होता है रॉन्ग नंबर सीरीज का, हम आपको बता दें सबसे कठिन सवाल कौन सा होता है, जब आपको 5 नंबर दिए जाए और 5 में बीच वाला गलत हो, ठीक है? तो वो आपका, और नंबर थोड़ा सा ऐसा नहीं कि 2 4 6 8 लिख दिया जाए, नंबर थोड़ी अच्छी खासी बना दी जाए, तो मेरे भाई ध्यान रखना वो आपका सबसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल बन सकता है, ठीक है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप सारे लोग जानते हो, क्योंकि आपको पैटर्न फिर मिलेगा ही नहीं, आपको फिर उस कंडीशन में क्या होगा, पैटर्न आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है? बढ़े अगले सवाल की तरफ भाई, बढ़ा जाए। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा भाई, शुरू हो जाओ। अब इसके बाद आपको आपका नंबर आ रहा है क्वाड्रेटिक पे मूव करने के लिए, ठीक है? अब इसके बाद आप क्वाड्रेटिक पे जाने वाले हो, तो बीच बीच में दोस्तों मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा हम आपको बीच बीच में क्लासेस देते रहेंगे यूट्यूब पे भी। बाकी अगर आप रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहते तो बैच चल रहा है मेरा, 4 5 6 6 क्लासेस हो चुकी हैं लगभग, अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो वो रिकॉर्डेड वर्जन में आपको मिल जाएंगी। बाय द वे स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को, ठीक है? 9 से 5 बैच सीरीज, देखो घटी बढ़ी घटी बढ़ी ऐसा हो रहा है ना, पहले एक बार घटी देन बढ़ी है, तो आगे क्या? 5 से आप किस पे जा रहे हो दोस्तों? 9 पे 25 95 414, मल्टीप्लीकेशन तो है, ये बात तो कन्फर्म है, मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे है, ये बात तो कन्फर्म है। अब अगर ध्यान से देखो 9 से 5 कब जाओगे आप, जब पहले तो 9 से वैल्यू आधी हो तभी तो। अच्छा एक बात हम आपको और बता दें, आपके मन में अगर ये आ रहा हो, देखो हम आपको बताते हैं अगर सीरीज आपकी जिगजैग चलती है, जिगजैग चलती है, चलने का मतलब क्या, एक बार घटती घटे बढ़े ऐसे, तो वहां पे 2 केस होते हैं, या तो प्लस माइनस किया जा रहा है या तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा रहा है, पॉइंट भी समझते रहो, सवाल तो सॉल्व कर ही ले जाओगे। प्लस माइनस चल रहा है या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, 2 ही केस वहां पे उसी कंडीशन में होते हैं।
लेकिन क्या ये zigzag है? ऐसे थोड़ा दिमाग में लेके आओ, क्या ये ऐसा हो रहा है कि एक बार घट रही है फिर बढ़ रही है, घट रही बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऐसा इसमें हो क्या रहा है? एक बार सीरीज आपकी घट रही है और इसके बाद लगातार आपकी इंक्रीज करती जा रही है। तो ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में होता है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में होता है जहां पे 0.5 का रोल हो। ये सारी चीजें सवाल के ही आसपास हैं और ये सारी चीजें आपके सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी अगर इन शब्दों को आप समझ पाओ तो। हालांकि आप लोग खाली ऑनलाइन में यही देखते हो कि बस सवाल और आंसर, और इसीलिए ऑनलाइन में कई बार धोखा खाते हो आप लोग, है ना, कि आप लोग ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते। अगर इन शब्दों पे आप फोकस करें तो ये बहुत हेल्पफुल है। हमने आपको क्या समझाया? सीरीज एक बार घटी और लगातार इंक्रीज करती गई, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही हुआ मात्र कि एक इसमें 0.5 का रोल है। अब इतना देखो, 9 से आप 5 पे पहुंचोगे कब? जब हम पहले 9 को आधा कर दें। हमने क्या किया? 0.5 से मल्टीप्लाई, 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैल्यू कितनी हो गई आपकी? हो गई 4.5। और इसके बाद मैंने क्या कर दिया? इसमें 0.5 जोड़ दिया। एक स्टेप तो मेरा हो गया, कुछ तो आइडिया लग गया, चलो ठीक है भाई। अब इसके बाद 5 से 9 पे कैसे आप जाएंगे, जरा ये सोचो। अब अगर 5 से आपको 9 पे जाना है तो क्या 0.5 के बाद हम दूसरा, अब हमारे पास 0.5 से अगर आपने मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हम आप। 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आपके सामने क्या क्या दिमाग में आ सकता है कि यार हो सकता है इसमें 1 का मल्टीप्लाई हो, है 1 का मल्टीप्लाई हो, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऐड करना पड़ेगा, गड़बड़ हो गया। यह हो सकता है कि 1 के बाद फिर अगला क्या बचा? अगला आपका 1.5 बचा। जरा 1.5 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 15 बचे कितना? 75, 7.5 आया ना। और 7.5 में अगर हम 1.5 ऐड कर दे तो पहुंच गए 9 पे। इस टाइप में आप चेक करना अगर आपको पैटर्न नहीं समझ आ रहा तो। इतना हो गया। 9 से 25 पे कब जाएंगे? अब 0.5 1.5, तो अब आइडिया लगा लो कि अब जाहिर सी बात है यहां पे कितना हुआ होगा 2.5 के बराबर। 25 × 9 कितना होता है? 225। 225 का मतलब 22.5। और ऐड भी कितना करेंगे आप? 2.5 ही ऐड करेंगे, तो 22.5 में 2.5 ऐड करोगे तो 25 मिल जाएगा, यानी अभी भी क्लियर है। और 25 के बाद 95 जाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको? 3.5 से मल्टीप्लाई और फिर 3.5 यहां पे ऐड करना पड़ेगा। इतना करना पड़ेगा आप सबको, सबको क्लियर है भाई? अब 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, अब क्या करेंगे आप? तो आप इसको 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 7/2 लिख सकते हैं ना भाई, 7/2 लिख सकते हैं। 7/2 का मतलब 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, वो ज्यादा आसान होगा। 12.5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, वो ज्यादा आसान होगा। 25 × 7 175 हो गया, एक कैरी, 7 × 1 = 7 और 1 = 8 हो गया। 12.5 था ना, दो डिजिट के मतलब एक डिजिट के बाद डेसिमल, 87.5 आ गया। और इसमें कितना ऐड करना है? 3.5 ऐड करना है। 87 × 3 = 90 और 1 = 91, यहां पे कितना आना चाहिए था? 91 आना चाहिए था। कितना है? 95। गलत। पैटर्न भी आपने पकड़ना सीखा, आपने पैटर्न भी पकड़ना सीखा, बहुत सारी चीजें भी आपने यहां पे सीखी कि 0.5 का रोल हम कैसे पहचानते हैं। मुझे उम्मीद है अगर आपने शिद्दत से ये बातें सुनी होगी तो आपको समझ जरूर आई होगी कि 0.5 का रोल हमने कैसे पकड़ा। ठीक है, चलिए तो आज के 15 क्वेश्चन आपके हुए। आगे हम बढ़ने वाले हैं और अब हम मूव करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, जो कि आपको बहुत परेशान करती है कई दफा, है ना। बेसिक हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको फिर से बताएंगे, हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सिखाएंगे। हम आपको ये मान के चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। जिन बच्चों को नहीं आता, बेसिक से अगर देखना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आप सर्च कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने IBPS क्लर्क में पढ़ाई थी अभी, ठीक है, तो वो देख लेना, वहां पे मैंने बहुत बेसिक से आपको बताई थी। तो अभी हमारी कंबाइंड मतलब उस तरीके से क्लास है। तो अभी आपके सामने सवाल है और सवाल आपके सामने ये रहा दोस्तों, टाइमर भी आपका स्टार्ट होता है, शुरू किया जाए। चलिए और थोड़ा लाइक वाइक भी यार तुम लोग बढ़ाते बढ़ाते जाओ, हैं। ओके, ठीक है भाई, डन। इतनी सारी कहानी तो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। एक्स स्क्वायर दिया गया है, जरा वाई को सॉल्व करके देखो। y^4/3, y^5/3, जब समान आधार पे यानी कि इक्वल बेस पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं और उनका बेस इक्वल होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो 5/3 4/3 ऐड होगा, 9/3 यानी कि क्या बचेगा? 3। तो कहने का मतलब y क्यूब बचेगा, और y क्यूब जब आप करेंगे मेरे भाई तो आपको कितना मिलेगा? 295 इधर जाके ऐड होगा, है? तो ऐड करना है तो पूरा 300 मान लो आप इसे, और 300 मानेंगे, 217 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 517। कितना आएगा? 517। लेकिन ये क्या है, 5 ज्यादा 5 कम करो तो कितना आएगा? 512। ये जो बोल रहे हैं सब जोड़ने और एक तरीका, यही सब है, छोटी छोटी बातें जो बार बार कहते हैं, यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हेल्प करती हैं। तो वाई की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी? +8 मिल जाएगी, ओके। और ये 7, 343 का क्यूब रूट कितना होता है? आप कहते हो 7 होता है।
और ये 7 जब इधर जाके घटेगा तो 56 में 7 घटाओगे तो 49 आएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 49 49 तो एक्स की वैल्यू प्लस 7 और इसकी वैल्यू माइनस 7 होगी, प्लस 7 और माइनस 7। भाई अगर हम देखें तो 8 तो मेरा नेगेटिव वाले से बड़ा है, 8 मेरा इस प्लस 7 वाले से भी बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? आप कहोगे कि x की वैल्यू छोटी है और y की वैल्यू बड़ी है। ये हमारा सवाल का सही जवाब रहा। क्लियर है भाई? आ जाओ अगले सवाल पे, टाइमर स्टार्ट। x की वैल्यू एग्जैक्ट प्लस 7 नहीं बेटे, प्लस माइनस 7 दोनों है, ध्यान रखिएगा। y की एक वैल्यू मिली कितनी? प्लस का 8, लेकिन x की हमें दो वैल्यू मिली, प्लस 7 एंड माइनस 7। और साइन में गलती मत करना, वो बहुत इनइक्वालिटी में यही गलती होती है फिर। चलिए भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे आपके, दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। यहां पे दोनों रूट मुझे नेगेटिव मिल गए। 12 चाहिए मुझे मल्टीप्लाई करने पे, जबकि जोड़ने पे 7 चाहिए। कौन से रूट मिलेंगे आपके? 4 और 3, दोनों रूट मिल गए एक्स के। एक्स के दोनों रूट आ गए। यहां पे लिखा हुआ है माइनस और माइनस लिखा, यानी इसके साइन क्या होंगे? आप कहोगे प्लस माइनस होंगे। 15 से मुझे क्या चाहिए? 2 चाहिए। इसका मतलब 5 और 3। अब यहां पे अगर नेगेटिव है तो बड़ी वाली वैल्यू का साइन पॉजिटिव होगा, 5 और 3 रूट आ गए। भाई मुझे कंपेयर करना है, 5 मेरा 2 से तो इन दोनों से तो बड़ा ही होगा, यानी x और y को कंपेयर कर रहे हैं। मैंने पहले ही कह दिया y तो मेरा बड़ा है। अब नेगेटिव को कंपेयर करना है तो इतना ध्यान रखना, नेगेटिव में जब कंपेयर करते हैं तो जो वैल्यू छोटी दिखे वही बड़ी है, ऐसे आप समझो। जो वैल्यू छोटी दिखे वही बड़ी है। 3 को 3 से कंपेयर करोगे बराबर, 3 को 4 से कंपेयर करोगे तो 3 छोटा दिख रहा है लेकिन वो बड़ा होगा। आपका जवाब आ गया x लेस और इक्वल टू y। ये आपके सवाल का जवाब रहा। भाई अगर आपको जल्दी करने हैं तो ये सारे तरीके सीखने होंगे ना मेरे भाई, है कि नहीं? अगर आप चाहते हो कि अगर आप 8 मिनट में 20 सवाल अपने करने चाह रहे हैं तो ऐसे आराम आराम से सॉल्व करने से थोड़े ना होंगे, आप वहां तक पहुंचिए धीरे धीरे मेहनत करके। बात समझ पा रहे हो? जानते सब हो, दिमाग पे प्रेशर नहीं डालते, दिक्कत यहीं से आती है। जानते सब हो आप, सारे लोग रूट निकाल लोगे, लेकिन क्या करते हो कि जल्दी करने के चक्कर में नहीं रहे, सोचते हो आराम से बढ़िया करना है, घर ही तो है अपना, कहां भागे जा रहे हैं। है भाई, चलो आ जाओ, टाइमर स्टार्ट हो रहा है, इस सवाल को भी जल्दी से उड़ा दिया जाए। अभी आपको हम जब बीच बीच में बदलाव बदलाव बदल बदल के सेशन करते रहेंगे तो वहां पे हम आपको क्वाड्रेटिक की बहुत जहरीले स्वरूप का भी दर्शन हो सकता है करवा दें। जो अभी हमने क्लर्क मेंस में क्लासेस ली थी तो वहां पे भी क्वाड्रेटिक के कुछ जहरीले सवालों का भी दर्शन मैंने बच्चों को करवाया था। अभी तो आप प्रीलिम्स दे रहे हो तो प्रीलिम्स में कोई दिक्कत विशेष नहीं होती, आसान आसान सवाल आते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्या है भाई, मेन यहाँ पे खेल यही है कि आप स्पीड कितनी मैटर कर, स्पीड कितनी अच्छी निकाल पाते हैं। दोनों रूट इसके क्या होंगे मेरे भाई? नेगेटिव होंगे। 45 मल्टीप्लाई करने पे चाहिए, जोड़ने पे क्या चाहिए आपको? 14 चाहिए, यानी कितना मिलेगा? 9 और 5 मिल जाएगा। ये कहानी भी हमारी क्लियर रही। सिमिलरली यहाँ पे 63 लिखा हुआ है और क्या चाहिए? 16 चाहिए, यानी कि दोनों रूट आपके नेगेटिव होंगे। 63 से मुझे 16 चाहिए, यानी कितना हो जाएगा? 9 और 7 हो जाएगा। ये कहानी भी मेरी क्लियर हो गई। सब नेगेटिव दिख रहा है, आप बस इतना सोचो नेगेटिव है ही नहीं है, आप ये भूल जाओ कि नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं है तो जो वैल्यू छोटी दिखे उसी को बड़ा मान लेना। 9 से कंपेयर किया बराबर है, 9 से यहां पे किया तो 9 बड़ा दिखा लेकिन छोटा होगा, यानी मैंने अभी तक जो हमारे सामने रिजल्ट आया है वो x लेस और इक्वल टू y तक का आया है। 5 को देखेंगे अगर तो 5 तो मुझे 9 से छोटा दिख रहा है, और अगर 5 9 से छोटा है तो हम कहेंगे 5 मेरा 9 से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा छोटा दोनों साइन आ गया, ऑप्शन नंबर 5 आपके सवाल का सही जवाब रहा। यह क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके लिए लीनियर इक्वेशन, और ये आपके होमवर्क का सवाल, ठीक है? ये आपके होमवर्क का सवाल। आज के सेशन में मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखा दी हैं, आप उन सवालों को, अगर जो बच्चे अभी नए जुड़े हों वीडियो शुरू से देखना, मैंने वहां पे स्टार्टिंग में तो मैंने आपको एक दो ट्रिक भी सिखाई है मल्टीप्लाई करने की, ठीक है? उनको भी देख लेना शुरुआत से। आने वाले टाइम में बदल बदल के इससे मतलब बीच बीच में आपके सामने सेशन लेते रहेंगे। वैसे सैटरडे को 8 बजे जरूर मिलेंगे हम, 8 PM पे, ध्यान रखिएगा। सैटरडे इस दिन हम 2 घंटे की क्लास लेंगे, पहले ही बता दे रहे हैं, सारे लोग इस बात के लिए तैयार रहना। अगर आप रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो विजय पथ मेरा अल्टीमेट प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको विजिट करना होगा store.adda247.com पे, store.adda247.com। ये सिर्फ SBI क्लर्क के लिए, हमने SBI, हमारा SBI PO का भी एक बैच आ चुका है, स्टोर पे है, आप वहां पे भी एनरोल करा सकते हैं। टेक्निकल टीम अगर हो पाए तो एक बार विजिट करा दीजिए, store.adda247.com। इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हम आपको देने का काम कर रहे हैं, थोड़ा देख लेना उस चीज को जो अभी बता रहे हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड करना चाहते हैं मेरी, ठीक है, स्टोर पे विजिट करना होगा, वहां पे आप जाएंगे ऑनलाइन लाइव क्लासेस में, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, हाँ सर, तो ऑनलाइन लाइव क्लास, देखो स्टोर है ये, यहाँ पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, यहाँ पे टच करेंगे आप ओके, और यहाँ पे जाने के बाद अब नीचे आइए सर, ठीक है, और नीचे आइए सर ओके, और नीचे, ठीक है, और नीचे, हाँ ठीक है ओके, रुकिए थोड़ा सा ऊपर जाइए,
SBI PO का, रुक जाइए ओपन मत करिएगा इसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI PO का बैच, जो बच्चे PO के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं वो इसको ओपन करके ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आप नीचे आइए सर। हाँ ठीक है बस विजयपथ ये, हाँ बस ठीक है। इसके बगल में आप देख सकते हैं RBI का भी बैच है, उसके बगल में किसका है NTPC का, तो मैथ्स हर जगह पे इसमें हमी मेरी चल रही है, RBI की भी चल रही है, NTPC की भी, जो आप ज्वाइन करना चाहें। विजयपथ ये SBI क्लर्क का बैच है, ओपन करिए सर। ठीक है, अगर आप विजयपथ बैच में एनरोल कराना चाहते हैं, अभी प्राइस आपको 3299 दिख रही है, लेकिन अभी ऑफर वगैरह तगड़ा चल रहा है, 26 जनवरी आ गई है, बाय नाउ पे क्लिक करिए सर। ओके इसको रिमूव कर दीजिए, हाँ ठीक है। और फिर क्या किया सर आपने, ओके बस ठीक है, यहाँ पे बाय नाउ, ठीक है हाँ, कूपन लगाइए आप Y179, तो कूपन कोड आप ध्यान रखें दोस्तों Y179 ये कोड है, और इस कोड पे जब अप्लाई करेंगे आप लोग तो ये प्राइस अभी 16, यानी कि आपको 50% का ऑफ मिल रहा है सर। ये अभी 26 जनवरी वाला आ गया क्या, हाँ तो ये 26 जनवरी वाला आ गया, यानी कि अब आपको 50% अब इतनी प्राइस में आप इस बैच में एनरोल करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, सर वापस लाइए ठीक है। तो ओवरऑल मेरे दोस्तों कहानी इतनी सी है कि जब भी हम बैंकिंग का प्रीलिम्स एग्जाम देने बैठते हैं, जो पेपर का पैटर्न होता है, जो पेपर में आए हुए सवाल होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि उसमें ज्यादा सवाल ऐसे होते हैं जो मुझे आता ही नहीं, और ये आपको भी पता है बहुत अच्छे से, सवाल आपको आते सब हैं, इवन 99% तो आते ही हैं। फिर दिक्कत कहाँ से आती है मेरे भाई, दिक्कत यहीं से आती है आप लोग की स्पीड उतनी नहीं बन पाती, ये प्रीलिम्स तक की बात कर रहे हैं। नॉलेज आपका चेक होता है मेंस में, वो नॉलेज भी हम पहुंचा देंगे, मेंस अभी क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ है, अभी मेन काम आपका है एक सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड। जब एक आप स्ट्रेटजी के थ्रू आप पढ़ाई करते हो ना, तो बहुत जल्दी होता है वो सक्सेस पाना, जब आप एक स्ट्रेटजी के थ्रू जाते हैं, और जब स्ट्रेटजी के थ्रू नहीं जाते हैं तो फिर यही होता है, चलो आज मेरा सिंप्लीफिकेशन करने का मन कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन कर लिया, चलो आज DI पढ़ते हैं, DI पढ़ लिया, कौन सी DI पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब इसका रोल आएगा नहीं पता। आप फाइनल ज्वाइनिंग तक की आप एक अपनी स्ट्रेटजी तो बनाइए कि मुझे प्रीलिम्स में क्या करना है, मुझे मेंस के लिए जब इसके बाद मुझे 30-35 दिन का वक्त मिलेगा एग्जाम के बाद, तब क्या करना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के उस पर काम करिए, निश्चित तौर पे आपके सामने सफलता होगी। तो मेरे दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना दिल से, ठीक है दिल से लाइक करना, मुझे भी थोड़ा ताकत मिले कि हाँ ठीक है बच्चों के सामने यूट्यूब पे जब जब टाइम मिल रहा है पहुंचो यूट्यूब पे, बच्चों के सामने कुछ ना कुछ दिखाओ इन्हें। ये सारे हम आपको फिर से बोलेंगे, क्वेश्चन जरूर नोट करके रखना, क्वेश्चन आपके बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस करें हम आपको सेशन में हमेशा यही करते हैं, क्वेश्चन जरूर आपको रूबरू करवाते हैं एग्जाम वाले, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप सब लोग को सेशन पसंद आया होगा, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।